आपको मोटो व्लॉग करना है तो ये चार प्रो ट्रिप्स जानना है। सो भाई आज का वीडियो है बहुत ही डेडिकेटेड टू द मोटो व्लॉगर्स, जो लोग मोटो व्लॉगर बनना चाहते हैं, मोटो व्लॉगिंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। सो गाइज आई एम गोइंग टू गिव यू फोर प्रो ट्रिप्स, क्योंकि व्लॉगिंग इंडस्ट्री में लगभग 2 से 2.5 साल ख़त्म हो चुका है मेरा, अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो चुका है। चार चार चैनल में चला रहा हूँ, एक चैनल में है लगभग 2,30,000 के करीब सब्सक्राइबर, ये वाला चैनल में है लगभग 16,000 के करीब सब्सक्राइबर, और भी 2 चैनल्स हैं इन माई जोनल लैंग्वेज। तो एज यू कैन सी दैट इस लेवल को तो पहुँच गया हूँ मैं, थोड़ा सा एडवाइस मैं भी दे सकता हूँ आप लोगों को। सो जो भी मैं बोल रहा हूँ थ्रू माई एक्सपीरियंस एंड जेन्यून एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सीखा 2 साल में। तो ये 4 टिप्स अगर जान लिया 2 साल का एक्सपीरियंस आपको पता चल जाएगा। सो गाइज मोटो व्लॉगिंग का जो पहला चीज़ चाहिए, द नंबर वन थिंग दैट आपको, मैं टेक्निकल चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई बाइक तो लगेगा, कैमरा भी लगेगा। सो नेचुरल थिंग एज पर योर बजट आप बाइक कैमरा खरीद लो, वट एवर, ये कोई पॉइंट का इंक्लूड नहीं है, ये दैट्स आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक इंट्रो। तो पहला जो चीज़ मोटो व्लॉगिंग के लिए चाहिए भाई, आपको कैसे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, योर यू नो जस्ट लाइक अ मोटो व्लॉगिंग को नंबर वन प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए मोटो व्लॉग का टाइप कितना है। भाई मोटो व्लॉग एग्जैक्टली 2 तरह के होते हैं, एक तो रहता है जो अगर आप घूमने जाओगे, सपोज लद्दाख वदाख जा रहे हो, दार्जिलिंग जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो दुनिया में बाइक लेकर, सो दैट्स ट्रैवल व्लॉग टर्न इनटू मोटो ट्रैवल व्लॉग। और दूसरा टाइप वो मोटो व्लॉग है, सपोज आप कहीं पर घूमने नहीं जा रहे हो, शहर के अंदर लोकल एरिया में घूम रहे हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मेंशन कर रहे हो, राइट। तो सपोज लोग हेलमेट नहीं पहना है, लोग मास्क नहीं पहना है, बाजार का सीन कैसा है, ऑल दिस टाइप ऑफ व्लॉग। तो बींग अ मोटो व्लॉगर मैं 2 तरह के व्लॉग ही करता हूँ, तो बोथ का एक्सपीरियंस मुझको है। सो देखो पहले चीज़ है, अगर आप ट्रैवल व्लॉग कर रहे हो, ट्रैवल व्लॉग का आप एक ऑटो मोड में रह रहे हो, जहाँ पर जा रहे हो वही दिखा रहे हो, वही बोल रहे हो। बट बींग अ मोटो व्लॉगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, देखो सारा साल 365 दिन आपको ट्रैवलिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। तो आपको एक मोटो व्लॉगर के लाइफ में ऐसा भी वक्त आता है जब लोकल सिटी में भी उसको व्लॉग करना पड़ता है। तो ये टाइप ऑफ जो व्लॉग होता है, इस बारे में आपको अगर जानना है तो आपको पहले आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपका प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब हाउ यू आर डिलीवरिंग योर स्टोरी, कैसे आप स्टोरी को डिफाइन कर रहे हो। अगर अब मैंने पिछला कोई वीडियो देखा है, आपको पता है मैं अभी जो बाज़ार में जाता हूँ शॉपिंग कर, तो उसका भी मैं मोटो व्लॉग शूट करता हूँ। तो प्रेजेंटेशन का तो पहला उसूल है, जो भी बोल रहे हो आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरह से बोलना है। देखो आप जो दिखा रहे हो सभी को पता है, राइट। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हो, कहीं पर जा रहे हो बाइक लेकर, पीपल नोज दैट, ओके। उसके बाद भी क्यों आपका व्लॉग देखेगा, वो तो उसको पता है वो सब चीज़ जो आप दिखा रहे हो, डिस्पाइट ऑफ द देखेगा फॉर योर प्रेजेंटेशन, कैसे वो बात कर रहे हैं, कितना एनर्जी लेवल वो दे रहे हैं। दिस आर द थिंग्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ मोटो व्लॉगर। अगर आप व्लॉग कर रहे हो बहुत ही यू नो जस्ट लाइक सूखे सूखे दुखी राम बनकर, तो पीपल विल नॉट शो इंटरेस्ट गारंटी टू वॉच योर मोटो व्लॉग। तो पहला टिप्स हो गया प्रेजेंटेशन, बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से बोलो, वॉइस मॉड्यूलेट करके बोलो, एक्सप्रेशन ऑफ योर वॉइस शुड बी डायनामिक, ये सब मिलाकर आपका मोटो व्लॉग का पहला पॉइंट, ओके हो गया। पॉइंट नंबर 2, गाइस पॉइंट नंबर 2 में आपको मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट फिर भी चलो यार ये पॉइंट नहीं बोलेगा तो मोटो व्लॉग इनकम्प्लीट रहेगा। भाई आपको बहुत लोग बोलेगा आपको मोबाइल से मोटो व्लॉग करो, आपको इससे करो उससे करो, 2,000-3,000 रुपये का कैमरा से करो। भाई मेरा एक्सपीरियंस आपको ऑनेस्ट एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ, मैं जो व्लॉगिंग इंडस्ट्री में पहले आया था 2-2.5 साल पहले, आई स्टार्टेड माय करियर विद द DSLR, मैं DSLR 200D 80D से मैं शूट करता था भाई, हाँ मोटो व्लॉग नहीं करता था, नॉर्मल व्लॉग जब शुरू किया था, ओके। सो दूसरा मैं मोबाइल से भी बहुत, मेरा जो जस्ट लाइक आईफोन है मेरे पास, जो वीवो प्रो है, उस S1 Pro है, उससे मैं व्लॉग किया, और मैं GoPro से भी व्लॉग करता हूँ एक्शन कैमरा से। तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बोल रहा हूँ भाई, लोग आपको बोलेगा मोबाइल से व्लॉग करो मोटो व्लॉग, बट ओरिजिनली स्पीकिंग नहीं होता है। मैंने मोबाइल से व्लॉग करने की बहुत कोशिश की, बट होता है ना जो स्मूथनेस गायब रहता है मोबाइल में, जो शेकीनेस रहता है, दैट्स टू पथेटिक, ओके पहला चीज़। सेकेंडली आपका जो सेकेंड प्रॉब्लम जो आपका हो जाएगा, ये देखो ये बच्चे लोग, अरे यार मतलब, अरे यार किसी के कार के नीचे आ जाएगा ये बच्चा,
गो 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 ओके नाउ इट इज सेफ। भाई बीइंग एनिमल लवर ये तो करना ही चाहिए। देखो ये चीज़ मैंने दिखा दिया, क्यों इस बच्चे को, इस पपी को सेव करना था। भाई कितना छोटा पपी भाई किसी बाइक किसी कार के नीचे आ सकता है आराम से, तो आई फील बैड विद इट, इसलिए सेव कर दिया। ओके तो जो बोल रहा था भाई, मोटो व्लॉग के लिए आपको क्या चाहिए? भाई मोटो व्लॉग के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, आपको एक स्टेबल कैमरा, कोई भी एक्शन कैमरा लो, मैं किसी का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, कोई भी स्टेबल एक एक्शन कैमरा आपको चाहिए ही चाहिए। आपको कोई बोलेगा भाई मोबाइल से व्लॉग बहुत अच्छा होता है, भाई झूठ बोल रहा है। मोबाइल के जो धक 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 इससे जो ऊपर नीचे होता है ना भाई, जो लोग देखेगा उसका सर दर्द हो जाएगा। राइट, मैंने बहुत कोशिश की, मैं 10 12 15 मोबाइल से भी व्लॉग शूट किया, बट इट डजंट वर्क, और उसको पूरा ब्लर हो जाता है, पिक्चर क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता जितना भी आप बढ़िया फ़ोन से शूट करो। अगर आप 30-40 हज़ार का फ़ोन से शूट कर रहे हो, उससे बढ़िया एक एक्शन कैमरा ही खरीद लो। ओके देखो एक्शन कैमरा मतलब बेस्ट है, आपको सभी को पता है GoPro दैट आई एम यूजिंग, GoPro हीरो 8 ब्लैक। उससे अलावा भी और भी कुछ अच्छे यू नो जस्ट लाइक एक्शन कैमरा एस जे कैम ओसमो। ओके आप थोड़ा सा देख लो एज पर योर बजट, खरीद लो, बेस्ट होगा तो आप GoPro ही खरीद लो भाई, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। ओके ये हो गया टिप नंबर 2, दैट इज़ अबाउट द नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी है। अच्छा सा हेड माइक्रोफोन, भाई आपका माइक्रोफोन चाहिए प्रॉपर वे, क्योंकि अगर साउंड पहले क्या होता था, माइक्रोफोन मेरा अच्छा नहीं था जब मैं मेन रोड से, अभी तो मैं लोकल एरिया से बाइक चला रहा हूँ, जब मैं मेन रोड से चलाता हूँ भाई बस ट्रक सब कुछ भेपू बजा रहा है, हॉर्न दे रहा है, सो इससे क्या होता है भाई आपका जो टोटल वॉइस पूरा डंप हो जाता है। ठीक है तो एक अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, ज़्यादा दाम नहीं है, एक अच्छा माइक्रोफोन का दाम है 600-700-500 रुपए का माइक्रोफोन, तो ये आपको टेक्निकल सेटअप तो चाहिए। हो गया टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 है भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए सबसे जो चैलेंजिंग मुझे लगा, बाइक चलाते हुए बात करना और आपका एक्सपीरियंस शेयर करना। राइट देखो अगर बाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट यू नो जस्ट लाइक जो लोग बाइकर्स उसको पता है, बाइक चलाते हुए दिमाग को एकदम शांत रखना पड़ता है। तो जब भी आप बाइक चलाते हुए मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, फर्स्टली देखो अब तो सपोज 2 घंटे से बाइक चला रहे हो, 2 घंटे तक तो आप तो बात नहीं करोगे, बीच पे 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट आप बात करोगे। राइट तो जब भी आप बात कर रहे हो फॉर योर सेफ्टी आपको क्या करना है, आपको बाइक को स्पीड एकदम स्लो कर देना है। राइट तो जब आप फुल स्पीड में आप रफ्तार से जा रहे हो तब बात मत करो, ओनली फोकस ऑन योर बाइक राइड, एंड जब भी आप फोकस कर रहे हो ऑन योर स्पीच मीन्स बात करने के ऊपर तब बाइक को स्लो कर दो। वैसे ये हो गया टिप नंबर 3। राइट अभी आता हूँ चौथा टिप में। चौथा टिप है भाई आपका जो मोटो व्लॉगिंग का कैसे स्क्रिप्ट आपको बोलना है, और टॉपिक स्क्रिप्ट और टॉपिक जो भी बोल लो। देखो स्क्रिप्ट और टॉपिक आपको एक देखो ट्रैवलिंग के बारे में तो आपको कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है, सपोज अब लद्दाख जा रहे हो, रास्ते का एक्सपीरियंस कैसा रहा, रोड कंडीशन है ओके, कहाँ पर रुक रहे हो, आपको ये डिस्क्राइब करते करते आप जा रहे हो। बट लोकली अगर व्लॉग करोगे जो आपको करना ही होगा सर्टेन टाइम, पहला एक दो ट्रैवल कर लिया बट हर दिन आपको ट्रैवलिंग पॉसिबल नहीं होगा है, सो कैसे करोगे ये वाला चीज़। चलो लेट मी टेल यू दैट इज़ वेरी इजी भाई, आपको ज़्यादा कुछ दिमाग मगजमारी नहीं करना है। कैसे करना है ये देखो ये सब लोग दे आर गोइंग विदाउट मास्क। ये मेरा घर है बट घर में अभी नहीं डूबूंगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा फोर्थ वाला टिप सबको ख़त्म करने, उसके बाद घर में जाऊंगा बाइक घुमा लूंगा। सो जो मैं बोल रहा था आपको इंस्टेंट रास्ते में जो आपको दिखेगा नोटिस होगा उसको आपको यू हैव टू प्रेजेंट दैट। भाई ये विंटर का महीना है और फूल गोभी का मार्केट है, ये देखो ये अंकल जी फूल गोभी बेचते हैं, इसका खुद का खेत का ही फूल गोभी है, ही सेल्स। सो ऐसे आप जब जा रहे हो स्क्रिप्ट ऐसे प्री प्लान नहीं होता है मोटो व्लॉगिंग का, क्योंकि रास्ते में जाते जाते क्या दिखोगे क्या नहीं देखोगे आप खुद को ही पता नहीं होता है। तो छोटा छोटा चीज़ को अगर आप आइडेंटिफाई करके ऑब्जर्व करके प्रेजेंट कर सकते हो दैट इज़ कॉल्ड द ग्रेट थिंग। ये है हम लोकल एरिया का खेल का मैदान, पूरा जाल देकर घेर दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉल मॉल चला जाता है दूसरे घर में उसका कांच मार्च तोड़ देता है, तो इसीलिए इसको जाल नेट से घेर दिया गया है। ऐसे छोटा छोटा चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है, बीच में बोलना है, डिस्क्राइब करना है, इससे क्या हो जाता है जस्ट लाइक ये देखो फोटोशूट चल रहा है फॉर द वेडिंग फोटोशूट। (laughs)
सब लड़की लोग एक साथ भाई, एक बहुत ही फेमस गाना अभी कोलकाता में चल रहा है, पूरा बंगाल में चल रहा है, दैट इज टुम्पा सोना। ओके, हर शादी में लड़की लोग ये गाना सुन रहा है, जिस गाना का क्या सर है क्या पाव है पता नहीं, टुम्पा सोना। ओके, इस गाना का हेडिंग है। YouTube में जाकर टुम्पा सोना सर्च कर लो, TUMPASONA सोना, आपको मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार गाना है, सो पीपल लव टू हैव दैट। सो ऑल दे आर द टुम्पा सोना, दे आर हैविंग द फोटो क्लिप। ओके, सो जो मैं बोल रहा था आपको, चौथा पॉइंट दैट आई वाज टेलिंग यू, दैट इज़ आपको कुछ भी करो, आपको स्क्रिप्ट के ऊपर, चीज़ के ऊपर, आप देखो बोलते बोलते तीन चार मैंने टिप्स आपको दे दिया, दिखा दिया, सॉरी आपको एग्जाम्पल दिखा दिया कैसे आपको एक कॉन्टेंट को पकड़ना है। मैं खुद ही प्रिपेयर नहीं था, ये सब चीज़ वहाँ पर मुझको मिलेगा, पहले जो ये फूल गोभी वाला अंकल, उसके बाद वो जो खेल का मैदान, उसके बाद जो लड़की लोग फोटोशूट कर रहे थे, ये सब मुझको भी पता नहीं था। मैं रास्ते में देखा, पिकअप किया, एंड आई टोल्ड दैट ये एक मोटो व्लॉगर का ये स्क्रिप्ट रेडी करने का एक स्किल है। मतलब छोटा छोटा चीज़ को भी अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से बात कर सकते हो, तब इट विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग, राइट। तो मोटो व्लॉग का ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा स्टाइल है, दैट आई डू दैट। ओके, एंड ये चीज़ है, बाइक को सेफ चलाओ, ज़्यादा मगजमारी मत करो, हीरोगिरी मत करो। ओके, बी अ स्मूथ राइडर एंड बी अ लाउड स्पीकर, तो आप बन जाओगे एक मोटो व्लॉग। और पांचवा चीज़, फिफ्थ पॉइंट, अगर नहीं अभी बोलते बोलते दिमाग में आया, ये अगर नहीं बोलूँगा तो आपका ये मोटो व्लॉगिंग वाला बुरे प्रभाव, देखो कितना भीड़ है, गवर्नमेंट का एक 5 लाख का एक स्पेशल हेल्थ पॉलिसी दे रहे हैं, इसके लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर आए हैं, ठीक है, चलो दैट्स गुड। बट जो फिफ्थ पॉइंट, जो बोनस पॉइंट है, दैट इज़ आपको मोटो व्लॉग हर दिन करना है। हर दिन करते 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 क्या हो जाएगा ना, आपको बात करने का जो कॉन्फिडेंस वो बहुत बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल मेरा ही ले लो, माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ नॉट हिंदी, माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज इज़ बंगला। बट हिंदी मेरा इतना अच्छा नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ मोटो व्लॉगिंग मैं हर रोज़ व्लॉग शुरू कर दिया था। और मेरा हिंदी इतना बुरा था भाई, हर दिन मैं व्लॉग देता था पहले 2 साल पहले, हर दिन व्लॉग के नीचे 10 गाली पड़ते थे, भाई पहले हिंदी सीख ले। बट देखो एक जिद था, करते 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 प्रैक्टिस करते करते मैं सीख लिया। सो ये था टोटल मोटो व्लॉगिंग टिप्स, घूम फिर के मैं घर वापस आ चुका हूँ। तो चलो व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर इस व्लॉग में आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला, काम की इन्फॉर्मेशन, लाइक करना मत भूलिएगा। कोई अगर क्वेरी हो, कुछ जानना चाहते हो, तो यू कैन आस्क मी आउट। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।